क्या हो अगर आप घर में पूरे दिन पबजी खेल रहे हो और बाहर जब निकल के देखते हो तो सारी दुनिया जॉम्बी में बदल चुकी है। अब आप क्या करोगे सरवाइव करने के लिए? हाँ, तो मैं आज आपके लिए ऐसी जॉम्बी मूवी सजेशन लाया हूँ जिसे देख के आपको मजा आने वाला है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जुनवू, जो एक अपार्टमेंट के फ्लैट में अकेला रहता है और वो एक गेम लवर है जो अपने पीसी में गेम खेल रहा होता है कई घंटों से। और जुनवू जब थक के अपने अपार्टमेंट के बैल्कनी से नीचे देखता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कैसे लोग एक दूसरे को खा रहे हैं और जॉम्बी में बदल चुके हैं। और उसे न्यूज चैनल से पता चलता है कैसे यहाँ पे एक ऐसा इन्फेक्शन फैल गया जिससे लोग आदमखोर बन रहे हैं और इनके सिम्टम्स हैं इनके स्किन का वाइट हो जाना और इनकी आंखें लाल होने लग जाती हैं। जुनवू ये सब देख के डर जाता है और वो अपनी फैमिली को कॉल करता है। उसकी फैमिली जुनवू को कहती है कि किसी भी हाल में बस जिंदा रहना। और कैसे वो मोटिवेशन के लिए एक स्टिकी नोट पे लिखता है स्टे अलाइव। और इस मूवी में दिखाया गया कैसे जुनवू इस फ्लैट के अंदर कई दिनों तक सरवाइव करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके खाने पीने की सारी चीजें खत्म होने लग जाती हैं। जुनवू हेल्प मांगने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर रोज वीडियो अपलोड करने लग जाता है, पर उसे क्या पता कि उसके शहर की सारी जनता जॉम्बी में बदल चुकी है। उसको कोई भी कहीं से रिप्लाई नहीं आता है और धीरे धीरे करके वहाँ नेटवर्क भी आना बंद हो जाते हैं। और कैसे जुनवू बहुत दिनों तक जिंदा रहने की ट्राई करता है, पर एक दिन ऐसा आता है कि वो हार मान जाता है। जुनवू जॉम्बी बन के मरना नहीं चाहता, तो इसलिए वो अपने फ्लैट पे फांसी लगा के मरने की कोशिश करता है। पर तभी उसके अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग से कोई लेजर लाइट से उसकी जान बचा देता है और वो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यूबिन। और फिर जुनवू की जीने की चाह वापस जिंदा हो जाती है। अब इस मूवी में दिखाया गया कैसे यहाँ के जॉम्बी थोड़े से अलग हैं। ये जॉम्बी बनने के बाद भी अपनी डेली रूटीन हैबिट्स को भूलते नहीं हैं। जैसे वो जब इंसान थे ऑफिस जाते थे तो वो जॉम्बी बनने के बाद भी ऑफिस जाते हैं। जैसे अगर कोई फायर फाइटर जॉम्बी बन जाता है तो उसे रस्सी चढ़ना भी आता है। अब इस मूवी में देखने वाली बात तो ये होगी कैसे यूबिन और जुनवू अलग अलग अपार्टमेंट में जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर हैं, आगे कैसे मिलके सरवाइव करते हैं और कैसे एक दूसरे को खाना पहुंचाते हैं और कैसे जुनवू ड्रोन की मदद से यूबिन की जान बचाने की कोशिश करता है। क्या ये दोनों उन खतरनाक जॉम्बी से सरवाइव कर पाएंगे और ये दो अलग बिल्डिंग्स में रहने के बाद भी कैसे एक दूसरे के पास आ पाते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं ये सरवाइव करने के लिए, ये तो देखने वाली बात है। इस अमेजिंग मूवी का नाम है अलाइव, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। तो जाइए देर किस बात की है, देखिए। और ऐसे ही अमेजिंग मूवी सजेशंस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।